नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बुद्धि की स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वाईफाई के बारे में तो जानते होंगे, जो कि वायरलेस फिडेलिटी जो वाईफाई हम लोग का फोन में रहता है। लेकिन दोस्तों अभी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड चल रहा है कि वाईफाई कॉलिंग, जो कि हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट हम लोग का इंडिया में लाने वाले वाईफाई कॉलिंग। तो वाईफाई कॉलिंग क्या है, वाईफाई कॉलिंग को यूज कैसे करते हैं, आखिर ये सब डिवाइसेस में सपोर्ट करता है फिर नहीं, इसको सेटिंग कैसे करते हैं, वाईफाई कॉलिंग से हम लोग हेल्प क्या मिलेगा, तो सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई के थ्रू जो वाईफाई कॉलिंग है, वाईफाई कॉलिंग फीचर कैसे होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो इंडिया गवर्नमेंट तो अपॉइंट किए थे वाईफाई कॉलिंग के लिए, सारे स्मार्टफोन से वाईफाई कॉलिंग फीचर्स आएगा, लेकिन कुछ कुछ ब्रांड्स इसको अपना फोन में भाई ओटीए अपडेट के साथ पुश किए हैं अपडेट के साथ, या फिर पहले से उन लोग का दिया है। तो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग क्या है, तो फर्स्ट अगर आप बात करते हैं इंडिया गवर्नमेंट रेलवे में, तो रेलवे अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो देखते होंगे सारे स्टेशन में तो आपको रेलवेयर का वाईफाई का मतलब हेल्प मिलता है, जहाँ से आप अपना नंबर को रजिस्टर करके ओटीपी के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करके आप फ्री में नेट चला सकते हैं। तो कुछ इसी टाइप का कुछ सिस्टम ये इधर भी होता है वाईफाई कॉलिंग। तो वाईफाई कॉलिंग जो दिया गया है, इसमें आप कहीं पर बाहर कभी आप जाते हैं तो वाईफाई कॉलिंग अगर आपका फ़ोन में बैलेंस पे नहीं है तो आप डायरेक्ट वाईफाई कॉलिंग से कर सकते हैं। तो उसको अगर आप एक तो वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप इंटरनेट तो चलाते हैं, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जो दूसरा नेटवर्क आप कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि ये अपडेट पुश कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस वाईफाई नेटवर्क का, तो जो वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद आप कॉल रिसीव कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ होता है इसमें वाईफाई कॉलिंग। तो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट तो आप जानते हैं, तो कॉलिंग फीचर भी आ गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड पुश तो कर रहे हैं, नॉट ओनली एप्पल का जो जितने सारे स्मार्टफोन्स है, तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ एप्पल का कौन सा फ़ोन में ये दिया गया है। और जो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो जो वाईफाई कॉलिंग का फीचर था वो पहले लाया था एयरटेल। भारतीय एयरटेल लाने के बाद जियो कैसे चुप रहेगा। तो मुकेश अंबानी जो है ये आपका जियो का, तो उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया, डिटेल्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया कि हम लोग अभी जो जियो है, जियो में भी आप वाईफाई कॉलिंग का मतलब फीचर ले सकते हैं। तो मैं पहले आईफोन का बता देता हूँ, ऐसे 12 ब्रांड्स है जो कि वाईफाई कॉलिंग के फीचर्स के थ्रू करते हैं। तो कौन सा मॉडल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट एप्पल का अगर मैं बात करूँ तो आईफोन 6s, 6s प्लस, 7, 7s प्लस, आईफोन 8, आईफोन 8s प्लस, XR, XC, उसके बाद आपका XS, XS मैक्स, आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 मैक्स, प्रो मैक्स, जो स्मार्टफोन से आईफोन का, तो इसमें एक वाईफाई कॉलिंग का फीचर आप ले सकते हैं। अगर आप एक तो आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन ये आप जो अगर आपका अपडेट भी अगर नहीं आया, मेरे को तो लगता है आईफोन का जितने सारे स्मार्टफोन से तो पहले से वाईफाई फीचर दिया गया है। तो आप डायरेक्ट जाकर वाईफाई कॉलिंग, अगर आपका जो जहाँ पर रहते हैं तो वाईफाई कॉलिंग तो सारा जगह में नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा बेंगलोर या फिर पुणे दिल्ली में चल रहा है, तो टोटली कवर होने वाला है सारा इंडिया में। अगर आपका मतलब लोकेशन में वाईफाई कॉलिंग होता है तो आप वाईफाई कॉलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो किया आपका आईफोन का। नेक्स्ट बात करते हैं Xiaomi। तो Xiaomi जो ब्रांड है ये मतलब अपडेट्स के मामले में सब टाइम आगे रहते हैं, सिस्टम अपडेट के थ्रू, मतलब आपका जो एंड्रॉइड अपडेट्स के नहीं, अपना MIUI जो उनका सॉफ्टवेयर है उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज करता रहता है। तो Xiaomi भी अपना फ़ोन में अपडेट्स ले आया है जो कि वाईफाई कॉलिंग में। तो ये जो मैं मॉडल नंबर आपको बोलूँगा वो जियो ने कंफर्म कर दिया है कि ये सब डिवाइस हम लोग के साथ जुड़ के वाईफाई कॉलिंग फीचर ला सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट Redmi का अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप जो कि Redmi K20 एंड K20 Pro, थर्ड Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Y3 या फिर Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro। तो ये सारे जो स्मार्टफोन से Redmi का, तो इसमें वाईफाई का कॉलिंग का फीचर आ गया है, तो आप सेटिंग्स में जाके वाईफाई कॉलिंग यूज कर सकते हैं। तो जितने सारे बाकी डिवाइसेस रह गया, Redmi का Note 4, Redmi Mi Mix 2 या फिर अगर हम बात करें Redmi Note 3, Redmi Y2, Redmi Y1, उसके बाद Redmi 4, Redmi 4A, जितने सारे स्मार्टफोन से Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, जितने सारे स्मार्टफोन से, तो इसमें भी अपडेट आएगा, लेकिन OTA अपडेट के थ्रू Redmi इसको पुश करेगा, जो कि मन्नू कुमार जैन इनका जो है CEO
उन्होंने एक क्लियर कर दिया है। अगर मैं बात करूँ रेडमी का, जितने सारे स्मार्टफोन्स में वाई फाई कॉलिंग फीचर है तो आप आराम से वाई फाई के थ्रू कनेक्ट करके आप इसको फीचर यूज कर सकते हैं, बट आपका लोकेशन में वाई फाई टावर कॉलिंग का फीचर आना चाहिए, विदाउट अगर आप इसको ऑन करेंगे तो कुछ काम का नहीं रहेगा। देन बात करते हैं वीवो, तो वीवो जो ब्रांड है ये भी अपना पुश कर दिया है जो अपडेट के मामले में, जो जो उनका स्मार्टफोन्स है, तो वीवो का V15, V15 Pro, V11, V11 Pro, V9, V9 Pro, वीवो का Y91, वीवो का Y12, Y15, Y17, वीवो का Y81, Y81i, वीवो Y91, वीवो Y13, वीवो Z1 Pro। तो वीवो का जितने सारे स्मार्टफोन्स है जो जो कि हाईलाइटेड है तो उसमें आपको अपडेट आ गया है वाईफाई कॉलिंग का, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं अगर आपको लोकेशन में वाईफाई अवेलेबल है। तो वीवो का U20, वीवो का U10, वीवो का S1 एक तो ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स है जो अब तक ये वाईफाई का फीचर नहीं आया है, लेकिन बोलते हैं कि फ्यूचर में जितने सारे स्मार्टफोन्स हम लोग चल रहे हैं एंड्रॉयड में, सब में ये फीचर आ जाएगा। तो एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आएगा, तो एंड्रॉयड 10 अगर आपका आता है अपडेट में आ जाएगा, या फिर कंपनी चाहते तो OTA अपडेट के साथ ये फिक्स कर सकता है। तो वीवो का इतने आया है जो दूसरे स्मार्टफोन से वो वीवो का बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देन बात करते हैं सैमसंग का, सैमसंग का खदान बैठा है इतना सारा स्मार्टफोन से, सैमसंग का सब में ये अपडेट पुश कर दिया है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं सैमसंग का, तो सैमसंग का फर्स्ट जो फ्लैगशिप रेंज है S10, S10 प्लस, S10e, S9, S9 प्लस, S8, S8 प्लस, S7, S7 प्लस, S6, S6 प्लस, S6 एज, Note 10, Note 10 प्लस, Note 9, Note 8, Note 8 प्रो, Note 5 प्लस, Note एज, Note 4, On 8 2018 एडिशन, On 8 2016 एडिशन, On 7 प्राइम, On 7 प्रो, On 6, On 5 प्रो, A50, सैमसंग गैलेक्सी A70 प्रो, A50, A50S, A30, A30S, A20, A10, A9 प्रो, A8, A8 प्लस, A8 2016 एडिशन, A7 2017 एडिशन, A5 2017 एडिशन, M40, सैमसंग गैलेक्सी M30, सैमसंग गैलेक्सी M30S, M20, M10, सैमसंग गैलेक्सी C9 प्रो, J8, J8 प्राइम, J7 मैक्स, J7 नेक्स्ट, J7 प्राइम, J7, J7 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी J2 2016 एडिशन, तो सैमसंग के J5 या फिर J1 प्लस 4G। तो ये सारे स्मार्टफोन्स है जो कि सैमसंग का ये जो मॉडल में आपको बता दिया, तो इसमें आपका अपडेट आ गया है, इसको अपडेट आप करके वाईफाई कॉलिंग का फीचर यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेटिंग में जाके अगर आपके लोकेशन में वाईफाई है तो डायरेक्ट कनेक्ट करके आप इसको वाईफाई यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं टेक्नो का, तो टेक्नो भी जो ब्रांड है तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन मिड रेंज ब्रांड है वो भी, मतलब उनका कोशिश भी बहुत जारी रखे हैं, तो उनका जो ज़्यादा फ़ोन नहीं, तो टेक्नो के कैमोन IS2, टेक्नो iTwin, टेक्नो i4X, टेक्नो IS2, टेक्नो i4, टेक्नो iSky3, टेक्नो Spark 4। तो ये जो टेक्नो के सारे स्मार्टफोन से जिसमें आपको वाईफाई का कॉलिंग का फीचर आ गया है, तो इन्फिनिक्स का भी स्मार्टफोन से जो कि इन्फिनिक्स का Hot 3, Hot 4, Hot 7 प्रो, Hot 6 प्रो, Hot S3 या फिर Smart 3 प्लस, इन्फिनिक्स के इतने सारे स्मार्टफोन्स में आपको वाईफाई का कॉलिंग फीचर आ गया है। लेकिन पहले था एप्पल में, जब हम लोग लग रहा था कि एप्पल ला दिया, मतलब ये हम लोग जो एंड्रॉयड का ब्रांड है हमको टाइम लगेगा अपडेट्स के मामले में, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही वास्ट प्रोग्राम है जो कि इंडिया गवर्नमेंट कर रहा है कि वाईफाई कॉलिंग सब में, इंडिया में जितने सारे स्मार्टफोन से यूजर को वाईफाई कॉलिंग प्रेजेंट करने के लिए फ्री कॉल्स के लिए, तो ब्रांड बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहे हैं अपना फ़ोन को लाने के लिए अपडेट। तो मोटरोला के भी एक तो आया है जो कि मोटरोला का G6 और कोई फ़ोन में नहीं आया, तो फ्यूचर में सारे स्मार्टफोन्स में वाईफाई कॉलिंग का फीचर आ जाएगा, चाहे वो 3G हो या फिर 4G, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कितना पुश करते हैं। सैमसंग जैसे ब्रांड इतने सारे आपका जो सिस्टम अपडेट पुश करते हैं, लेकिन OTA अपडेट के थ्रू इतने सारे स्मार्टफोन्स को कवर किया वाईफाई अपडेट का। अगर मैं बात करूँ गूगल का Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a जो कि स्नैपड्रैगन का 620 से ज़्यादा है, तो इस सारे स्मार्टफोन्स में आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर आ गया है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके लोकेशन में वाईफाई कॉलिंग आता है। तो रेडमी के बाकी सारे जितने सारे स्मार्टफोन्स बच गया, मतलब जो जो स्मार्टफोन्स में कवर नहीं किया अपडेट्स के मामले में, तो इन सारे स्मार्टफोन्स में भी अपडेट आने वाला है, OTA अपडेट के थ्रू कंपनी पोस्ट करने वाला है। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन पार्ट का, तो कंक्लूजन पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो ओप्पो एंड रियलमी जो ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है, उनका मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है, तो रियलमी एंड ओप्पो इन दोनों स्मार्टफोन्स में ये अपडेट्स नहीं आया किसी भी स्मार्टफोन्स में, ओप्पो का या फिर हो जाए फ्लैगशिप
20X का जूम जो ओप्पो का रेनो 2Z, या फिर अगर मैं बात करूँ ओप्पो का F11 F11 प्रो, रियलमी का X2 प्रो, रियलमी का X2 जो कि बहुत ही अच्छा चिपसेट के साथ आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट करता है, लेकिन अब तक उन लोग नहीं दिए हैं क्योंकि उन लोग जो सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कॉलर S7 आने वाला है। लगता है कि कॉलर S7 आने के बाद तो ये ओप्पो एंड रियलमी फ़ोन में भी आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा। अगर आप एक तो बजट फ़ोन यूज करते हैं तो आपका दिमाग में एक ख्याल रहेगा कि मेरा बजट फ़ोन है, मेरा अपडेट आएगा कि नहीं। दोस्तों ये जो अपडेट्स है, तो अगर आपको बहुत ही पुराना फ़ोन है नहीं आ सकता, जैसे अगर मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी का स्टार प्रो, स्टार 3 XL जो पुराना फ़ोन है उसमें नहीं आएगा, रेडमी 2 उसमें नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करूँ मतलब रेडमी 4, रेडमी नोट 4, इससे मैं अगर एक तो रेडमी का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, तो उसमें अपडेट आ जाएगा, बजट हो, फ्लैक्सिप हो या फिर मिड रेंज हो। तो अगर आप इसको अपडेट आ गया है तो आप इसको यूज कैसे करेंगे, तब सेटिंग्स जाएंगे, सेटिंग्स जाने के बाद आप अदर वायरलेस कनेक्शन जाके वाईफाई क्लिक करेंगे, वाईफाई क्लिक करने के बाद आपको इधर वाईफाई कॉलिंग का फीचर आ जाएगा। उसमें अगर आपका नहीं होता है एयरटेल सिम या फिर जियो सिम, तो डायरेक्ट आप माई जियो जाएंगे, माई जियो जाने के बाद अपना ब्रांड उसमें लिखेगा, एक तो ऐड आएगा जिसमें लिखेगा वाईफाई कॉलिंग, तो ऐड में क्लिक करने के बाद अपना ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, देन इसका आपका मॉडल सिलेक्ट करेंगे, मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर ओके मारने का एक ऑप्शन दिखाएगा, अलाउ करने के बाद आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद अगर आपका लोकेशन में वाईफाई है तो आप आराम से इसको ऑन करके कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, दस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये इंडिया गवर्नमेंट कर रहा है। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सेम अनुसार ओबद्रिय बाद मारा की जय।